सो दोस्तों कैसे हो सब, आई होप सब बढ़िया है। एंड इस वीडियो में बात करेंगे टोयोटा एंड मारुति सुजुकी की मिलकर बनी एसयूवी ग्रैंड विटारा के बारे में। ये कितना सेफ है और कितना स्कोर करेगी ग्लोबल एनसीकैप में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं केवी मोटर यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं टोयोटा और मारुति सुजुकी के लेवल के बारे में, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जहाँ एक काम के साथ सेफ्टी भी इन कारों की ज़रूरी है, बाकी आपको पता ही होगा इनकी बिल्ड क्वालिटी में कितना डिफरेंस होता है। जहाँ मारुति सुजुकी की जितनी भी ग्लोबल एनसीकैप में कार टेस्ट के लिए गई हैं, एक को छोड़कर सब बेकार की रेटिंग लाए, एकमात्र बीजा ही 4 स्टार रेटिंग लाने वाली कार है, काफ़ी अच्छी बात है। बाकी स्विफ्ट वैगनार 2 या 3 पर ही अटक के रह गई। बाकी टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इस तरह प्रूव्ड होता है। टोयोटा की एक कार का टेस्ट देखें तो 4 स्टार ग्लोबल एनसीकैप में लाने वाली एक हैचबैक कार इटिटियस थी, इसने काफ़ी अच्छी रेटिंग लाई थी, जिससे ये पता चलता है कि टोयोटा फीचर के साथ बिल्ड क्वालिटी पर भी ध्यान देती है। बाकी इस गाड़ी को कितना मजबूत बनाया है ये तो नहीं पता, लेकिन किया सेल्टोस और हुंडई से क्रेटा से बेहतर ही बनाई गई होगी, ये उम्मीद किया जा सकता है। कार क्रेश टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये गाड़ी कितना स्कोर करती है। बाकी हो सकता है ग्लोबल एनसीकैप में कार क्रेश टेस्ट होने के बाद ये 5 स्टार स्कोर कर ले तो मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा रियल 5 स्टार। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी महिंद्रा और टाटा के बीच में अपनी जगह बना पाएगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।